जंग ब्लॉक कांग्रेस ने विधायक जवाहर ठाकुर द्वारा पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोल सिंह ठाकुर के खिलाफ की गई बयानबाजी पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जवाहर ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के प्रति मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, अन्यथा द्रंग कांग्रेस उनका घेराव करेगी। पधर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान द्रंग कांग्रेस अध्यक्ष बामन देव ठाकुर ने कहा कि विधायक बनने के बाद जवाहर ठाकुर द्रंग की जनता के लिए वायदे ही नहीं बल्कि मर्यादा को भी भूल बैठे हैं। जिस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, उससे उनकी योग्यता की झलक साफ दिखाई देती है कि वे कितने शिक्षित हैं। पहली मर्तबा विधायक बने जवाहर ठाकुर अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री का संबोधन तक मर्यादित ढंग से नहीं कर पाए। उनसे क्षेत्र के विकास और हित की क्या उम्मीद की जा सकती है। कोल सिंह ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। प्रदेश विधानसभा में विभिन्न मंत्री पद के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और दो बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार की नाकामियों को लेकर सवाल जवाब और घेराबंदी करना उनका दायित्व है। विकास के मामले में जो भी बहस करनी है, पहले द्रंग कांग्रेस पार्टी से करें, उसके बाद कोल के समक्ष बैठने की हिमाकत करें। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी मनाली फोरलेन कार्य में कितनी कमीशन जवाहर ठाकुर और उनके परिवार को जा रही है, इसका इलाका स्नोर ही नहीं पूरे द्रंग की जनता जान गई है। बनारसा में जहां कॉलेज का भवन बनना है, वहां पत्थर और बोल्डर का इकट्ठा किया डंप किसका है, ये सब द्रंग की जनता के जहन में है। 3 साल में द्रंग विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पूरी तरह पिछड़ा है। बरसात में सड़कों पर आय स्लिप की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसानों बागवानों को परेशान होना पड़ रहा है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के कई पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि स्कूलों में भी स्टाफ न होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विधायक इस ओर अपना ध्यान दें। इस अवसर पर मंडी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं द्रंग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केहर सिंह ठाकुर, धर्म सिंह, चंद्रशेखर ठाकुर, टेक सिंह ठाकुर, परशुराम, योगेश यादव और चिंतामणि सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय जवाहर ठाकुर जी की एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी के प्रति बहुत सी अनाप शनाप बयानबाजी की है। सर्वप्रथम तो मैं द्रंग कांग्रेस कमेटी की तरफ से जवाहर जी को एक सलाह देना चाहूँगा कि वो एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि ठाकुर कौल सिंह जी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। वो विभिन्न पदों पर रहे हैं, मंत्री वो रहे, विधानसभा के अध्यक्ष वो रहे, दो बार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह जी रहे। इसलिए जोहार जी, आपको जो भी बात करनी है, जो भी आपको कहना है, उसकी एक सीमा में रह करके बात करें। आपने ठाकुर कौल सिंह जी को सलाह दी कि विकास के बारे में आप उनसे चर्चा करना चाहेंगे, मंडी के शेरी मंच पे वहां पे मंच लगा करके आप उनके साथ बहस करना चाहेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ठाकुर कौल सिंह जी ने द्रंग चुनाव क्षेत्र में बहुत विकास के काम किए हैं, उसको सिर्फ आप ही नहीं पूरी द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता जानती है। इसलिए अगर आपको डिबेट करना है तो ठाकुर कौल सिंह जी से ना करके हमारे साथ ही किसी दिन आकर के आप चर्चा करें। हम आपको बताएंगे कि आपने पिछले 3 सालों में कितना विकास के काम किए और ठाकुर कौल सिंह जी ने कितने विकास के काम किए हैं। आप जानते हैं आज जिस तरह से द्रंग चुनाव क्षेत्र में जो लोग द्रंग चुनाव क्षेत्र के हैं वो दुखी हो रहे हैं आपसे। आप फोर लेन में कितनी कमीशन आप और आपके परिवार को जा रही है वो पूरे द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता जानती है। पनारसा में जो जहां पे कॉलेज का भवन बनना था वहां पे कितना बड़ा डंप आपने लगा के रखा है वो भी सारी द्रंग की जनता देख रही है, जिसका जवाब आपको 2022 के चुनाव में द्रंग की जनता देगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अनाप शनाप बयानबाजी न करते हुए एक मर्यादित पुरुष होने के नाते, द्रंग चुनाव क्षेत्र का विधायक होने के नाते, उसी तरह उसी लहजे में बात किया करें।